दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से अपने वन ड्राइव का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और यहां पे वन ड्राइव ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहां पे सेटिंग पर क्लिक करेंगे। व्यू ऑनलाइन करके एक ऑप्शन आ रहा है, और इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये वन ड्राइव आपका ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, जो भी आप यूज करते होंगे ब्राउजर उसमें ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन देगा, अगर आप यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो लोग सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी। ओके, और इसके बाद में आप लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अगर पहले से लॉगिन है तो कोई बात नहीं, अगर लॉगिन नहीं है तो पहले साइन इन करना होगा आप लोग को। यहाँ पे ब्राउजर में आपको अपना वन ड्राइव का आईडी यहाँ पे एंटर करना होगा। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट साइन इन करके दिखा रहा है, तो यहाँ पे अपना जो भी आपका आईडी है वो यहाँ पर एंटर करेंगे। अभी मैंने ये आईडी क्रिएट किया था वन ड्राइव के लिए, ABCD। जैसे कि जो भी आपका आईडी होगा वो एंटर करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे। अगर आप लोग पहले से ब्राउजर में लॉगिन करके रखे हैं तो आप लोग को ये नहीं करना होगा, आगे का स्टेप देखेंगे। ये देखिए अभी मेरा वन ड्राइव में लॉगिन हो गया है, देखिए वन ड्राइव में लॉगिन हो गया। ये सब मेरा डेटा है पहले से जो मैंने सेव करके रखा था। और फिर उसके बाद अपने यहाँ प्रोफाइल पर आ जाएंगे, प्रोफाइल या यहाँ पे सेटिंग, सेटिंग करके ऑप्शन है तो यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल रहेगा आपका, या तो फोटो लगा रहेगा या तो कुछ नाम से यहाँ पे प्रोफाइल का आइकॉन बना रहेगा। यहाँ पर फिर माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट करके दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और फिर कुछ वेट करेंगे जैसा कि आपका इंटरनेट जैसा रहेगा। ये देखिए मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो पेज थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है। अभी यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे अगर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो भी वो चेंज करने का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे चेंज पासवर्ड सिक्योरिटी करके, सिक्योरिटी करके आ रहा है तो यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने कोई यहाँ पे अल्टरनेट मेल आईडी या कोई कुछ इंटर नहीं किया हूँ, इसकी वजह से ऐसा इंटरफेस आया। अगर आपका पहले से वेरीफाई है, कोई दूसरा मेल आईडी अगर वेरीफाई है तो आप लोग का ये सब इंटरफेस नहीं आएगा। अगर आप लोग का वेरीफाई नहीं है तो ऐसा इंटरफेस आ सकता है, इसके लिए मैंने यहाँ से वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे अपना एक मेल आईडी या मोबाइल नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हैं अपना ये आईडी। तो मैं अपना ये खान अब्दुल सलाम 19@gmail.com करके अपना एक मेल आईडी एडिशनल डालता हूँ। ये देखिए ये बता रहा है कि जो आपने मेल आईडी इंटर किया है इसको वेरीफाई करने के लिए, वो मेल आईडी पर एक कोड गया है, वो कोड इंटर करना है। तो वो मैं कोड यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ पे 2 बार वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा। अगर आपका पहले से मेल आईडी वेरीफाई है तो अब तो आपका ठीक है, आपका डायरेक्ट पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो ज़्यादा आप लोग को ये सब नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग वेरीफाई नहीं किए हैं तो आप लोग को भी अपना मेल आईडी पहला या फ़ोन नंबर एक एडिशनल वेरीफाई करना होगा। ये देखिए ये मेल आईडी पर एक मेल आया है जो कि उसमें कोड होगा, तो चलिए देख लेते हैं। मैं ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ अपना मेल आईडी, यही मेल आईडी मैंने इंटर किया है, और यहाँ पे देख लेता हूँ कोई मेल आया माइक्रोसॉफ्ट की साइट से, वन ड्राइव के साइट से आया है कि नहीं आया है। ये अपना जीमेल ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपना जो भी आप वेरीफाई कर रहे हैं वहीं से ओपन करेंगे, क्योंकि मैंने ये, मैं अपना जीमेल का अकाउंट अभी इंटर किया हूँ। तो ये देखिए अभी लोडिंग हो रहा है, और ये देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट करके एक मेल आया है मुझे, ये ओपन कर ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोग जीमेल ही ओपन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे
2639 करके एक कोड है, ये मैं इंटर कर दे रहा हूँ, कॉपी करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ ये कोड को। ये मैं पेस्ट कर दिया और फिर उसके बाद नेक्स्ट करूँगा। और ये मैं बता दूँ, यदि आप पहले से वेरीफाई कर लिए हैं तो ये सब आपको नहीं करना होगा, डायरेक्ट आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन ही आपको दिखाई देगा। और फिर से ये दिखा रहा है कि आप फिर से इसको वेरीफाई करें। अगर आपके पास पहले से कोड है तो यहाँ पे एंटर कर देंगे, वही कोड, वो कोड नहीं लेगा, ये देखिए ये कोड नहीं लेगा, आपको दूसरा कोड यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे इस पे अपने मेल आईडी पे क्लिक करना होगा और फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन दिखा रहा है सेंड कोड, उस पे क्लिक करना होगा आपको। दिखा रहा है कि ये आपको जो भी मेल आईडी आप एंटर किए थे जीमेल वाली या जो भी आपकी आईडी थी, मैं यहाँ पे जीमेल की आईडी डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे जीमेल की आईडी डाल दूंगा और सेंड कोड पर क्लिक किया और ये देखिए ये मेरा मेल आईडी पे एक कोड गया है। आप जो भी मेल आईडी यूज करते होंगे उसका कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। मैं जीमेल यूज कर रहा हूँ इसके लिए, यहाँ पे मैं जीमेल पर आया, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपको दो माइक्रोसॉफ्ट की साइट से दो कोड आया होगा, एक पहले वाला था और एक दूसरा है। पहला तो 4 डिजिट का था, ये कितने डिजिट का, ये 7 डिजिट का है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है। और फिर यहाँ पे नो थैंक्स कर देंगे, नो थैंक्स पर क्लिक करने के बाद आपको अभी इंटरफेस दिखाई देगा पासवर्ड चेंज करने के लिए। और यहाँ पे अपना करंट पासवर्ड डालेंगे जो भी पासवर्ड है, और फिर न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड इंटर करेंगे यहाँ पे। और मैं आप लोग को बता दूँ, अगर आप लोग पहले से मोबाइल नंबर या मेल आईडी अगर वेरीफाई करके रखे हैं तो आप लोग को जो वेरीफिकेशन जो प्रोसीजर था वो सब नहीं करना होगा, आप लोग को डायरेक्ट आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दे देगा। ये देखिए मैंने कंफर्म पासवर्ड डाला, पहला ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। आपको अगर 72 डेज में अगर एक्सपायर हो जाए आपका, अगर सोचते हैं तो यहाँ पर चेक मार्क कर देंगे, नहीं तो सेव पर क्लिक कर देंगे। जब भी आपको चेंज करना होगा तभी आप चेंज करेंगे। देखिए सेव पर क्लिक किया मैं और ये हो गया मेरा पासवर्ड चेंज। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। ओके, अगर पहले से लॉगिन है आपका तो भी आपको ज़्यादा कुछ प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।